हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक यौगिक। तो इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, एंड उसके अलावा जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें क्या है कि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से भी जो IUPAC है वो मतलब कंफर्म है कि 5 नंबर के IUPAC तो आते ही आते हैं, वो किसी से भी कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, इसी वजह से इनका नाम जो है हाइड्रोकार्बन रखा गया है, तो इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक ओपन चेन या फिर ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन। मतलब एक तो है ओपन चेन और दूसरे हैं क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन का मतलब कि जो, क्योंकि जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं, तो ओपन चेन का मतलब कि जो कार्बन चेन होती है वो सीधी एक मतलब ओपन रहती है, क्लोज्ड कहीं से नहीं होती है, तो वो ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, या इनमें जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो वो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स कहलाते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो जो सेकेंड नंबर है क्लोज चेन या फिर साइक्लिक, यानी कि इनको हम बंद श्रृंखला वाले या फिर चक्रीय यौगिक बोलते हैं, तो इनमें जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन्स का वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन जो है वो एक क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका होता है क्योंकि वो बंद रहता है, कहीं से भी ओपन चेन नहीं होती है उसकी, तो इसी वजह से उसको हम क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो ओपन चेन है इनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है सैचुरेटेड और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो सैचुरेटेड में आते हैं सिंगल बॉन्ड, मतलब जो कार्बन चेन होगी तो सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। और जो अनसैचुरेटेड है यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड जो है ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें सारे कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, सब में ही सिंगल बॉन्ड के मिलेंगे, और जो अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त यौगिक हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और उसमें से कुछ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल जो अभी मैंने ओपन चेन के बताए, तो सिंगल बॉन्डेड में जैसे आ जाते हैं मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो ये जो है सारे सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। इनके अलावा जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं प्रोपीन हो गया, प्रोपीन डबल बॉन्ड का एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड का प्रोपाइन हो जाएगा, तो इस तरीके से जो डबल बॉन्ड और सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, और सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें सारे कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड रहते हैं। सेकेंड जो क्लोज चेन है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्रीय और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है विषम चक्रीय। तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो होमोसाइक्लिक का मतलब ये हो गया है कि साइकिल जो है वो सेम एलिमेंट से बनी हो, यानी कि जो पूरी साइकिल जो बनी हुई होती है उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम, कार्बन जो एलिमेंट है कार्बन एटम से ही बनी हुई बना हुआ चक्र है, साइकिल है, तो वो कहलाएंगे होमोसाइक्लिक।
और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएंगे हेट्रोसाइक्लिक। तो जैसे होमोसाइक्लिक में बेंजीन हो गए, फिनॉल हो गए, तो वो जो है होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक जो है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या है कि जो चेन बनी हो, जो साइकिल बनी होगी उसमें अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूरेन। तो यहाँ पे क्या, ये जो साइकिल बनी हुई है इसमें ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक में हम ये बेंजीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये जो जो कॉर्नर, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जितने भी कॉर्नर होते हैं यहाँ पे, इसका मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कार्बन है, यहाँ प्रेजेंट है। तो ये पूरी साइकिल जो है वो कार्बन की बनी हुई है, यहाँ पे कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये होमोसाइक्लिक कहलाएंगे और ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। अभी इन सारे टॉपिक्स को मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद जो होमोसाइक्लिक है, इनको भी दो पार्ट में बांटा गया है। होमोसाइक्लिक में दो पार्ट में, एक तो एरोमेटिक होते हैं और एक एलिसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक जो नाम लिया गया है, ये एरोमा से बना हुआ है। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, मतलब एक विशेष प्रकार की जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस, तो उससे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को इनमें रखा गया है। जितने भी बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि उनमें जो है एक स्मेल सी आती है, एक फ्रेग्रेंस रहती है, तो इस वजह से उनको जो है एरोमेटिक बोला जाता है। और एलीसाइक्लिक जो है वो एलिफैटिक के ही साइक्लिक कंपाउंड हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोपेन है, तो प्रोपेन का अगर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ जैसे एरोमेटिक मैंने बताया बेंजीन और एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि जैसे बेंजीन हो गया या फिनॉल हो गया, तो वो एरोमेटिक में आएंगे। एलिसाइक्लिक जो है वो एलिफेटिक की तरह ही होते हैं और बस उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, कि जैसे जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन, या फिर ये स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन। तो ये एलिफेटिक की इनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, इसीलिए इनको नाम जो है वो एलिसाइक्लिक नाम दिया गया है। ये है साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि तीन कॉर्नर है, तीन कॉर्नर का मतलब हो गया कि ये प्रोपेन है, सारे सिंगल बॉन्डेड है। बाकी का स्ट्रक्चर के बारे में अभी क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, वो आगे टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम साइक्लो प्रोपेन बोलते हैं, इसको हम साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे चार कार्बन एटम की चेन है, तो ये है साइक्लोब्यूटेन। तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती है एलिफेटिक कंपाउंड से, तो इसी वजह से इनको जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं और इनको एरोमेटिक बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो है स्पेशल टाइप की, जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन के डेरिवेटिव से, मतलब जैसे फिनॉल है, तो फिनॉल में भी आपने देखा कि एक स्मेल खुशबू रहती है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। इसके बाद मैं इनको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले बताया था ओपन चेन, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सबसे पहले दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ओपन चेन यानी कि एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरे हैं क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक कंपाउंड। तो ओपन चेन जो है उनको दो पार्ट में बांटा गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें कार्बन एटम जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन एटम है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी कि सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड होंगे तो वो कहलाएंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे इथाइलीन हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया, तो ये जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं, जहाँ पे कुछ कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा जो टाइप है क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ये एक साइकिल स्ट्रक्चर होता है, और वो साइकिल स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से ट्राइगोनल भी हो सकता है, और जो है हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कितने भी कॉर्नर्स का हो सकता है। तो इनको जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इनको जो है दो पार्ट में बांटा गया है, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब होता है सम और हेट्रो मतलब
विषम, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड होते हैं जिनमें साइकल्स आर मेड ओनली कार्बन एटम्स, मतलब जो साइकिल होती है जैसे यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये सिर्फ कार्बन एटम से ही बना हुआ है, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो कार्बन एटम से बनी होती है। इनको दो टाइप में बांटा गया है, एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बताया मैंने अभी आपको कि दीज आर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, मतलब जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन से ही बने हुए हैं। तो द वर्ड एरोमेटिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड एरोमा, जैसे अभी मैंने बताया कि एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज दे कंटेन स्पेशल एरोमा, तो इनमें जो है एक विशेष प्रकार की खुशबू रहती है, तो इसी वजह से इनको जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं कि बेंजीन हो गया और फिनॉल हो गए। तो ये तो थे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद एलीसाइक्लिक कंपाउंड, एलीसाइक्लिक कंपाउंड मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ सम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जो कुछ ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं उनके एलिफेटिक कंपाउंड्स की तरह, तो इसी वजह से इनका नाम जो है एलीसाइक्लिक, मतलब एलिफेटिक से ही एली लिया गया है, और क्योंकि साइक्लिक इनकी स्ट्रक्चर होता है तो इसी वजह से इनका नाम एलीसाइक्लिक कंपाउंड रखा गया, या फिर एलीसाइक्लिक यौगिक इनको हम बोल सकते हैं। तो ये तो जैसे इस अभी मैंने आपको बताया था कि साइक्लोप्रोपेन, तो इनका साइक्लोप्रोपेन मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और 3 कार्बन का होता है, और इस वजह से हम इनको प्रोपेन बोलते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस वजह से इनके नाम के आगे साइक्लो लगा हुआ है। तो साइक्लोप्रोपेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक मैच करती हैं सिंपल जो नॉर्मल प्रोपेन होता है उससे, ये है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो इनकी एलिफैटिक कंपाउंड से प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, तो इसी वजह से इनको हम एलीसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सेकंड जो टाइप है जैसे होमोसाइक्लोसिन जो कंपाउंड्स हैं उनका, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इनको बोलते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि ये कंपाउंड्स क्या है, दीज कंपाउंड्स आल्सो कंटेन एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब कार्बन के अलावा साइकिल में इनके साथ जो है कोई अदर एलिमेंट भी होगा, यानी कि जो कार्बन चेन से ही पूरी साइकिल नहीं बनी होगी, कार्बन के अलावा भी कोई अदर एलिमेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल थायोफिन। तो यहाँ पे थायोफिन में देख रहे हैं आप कि 5 कार्बन के साथ में, सॉरी 4 कार्बन के साथ में एक सल्फर है। यहाँ पे देख रहे हैं आप पिरिडीन में छः कॉर्नर है, 6 में से जो 5 कॉर्नर है वहाँ पे तो कार्बन है और एक में नाइट्रोजन है। इसी तरीके से यहाँ फ्यूरेन में भी एक ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, यानी कि होमोसाइक्लिक में कार्बन चेन कार्बन एलिमेंट से ही बना हुआ पूरा पूरी साइकिल होगी, और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो है कार्बन चेन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी कार्बन चेन के साथ में OH लगा हुआ है, तो OH जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल का, एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आपने देखा होगा NO2 लगा हुआ, NO2 का मतलब हो गया नाइट्रो, या CHO देखा होगा तो एल्डिहाइड हो गया। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है हम डिटरमाइन करते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप से। तो द फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप, मतलब ये एक एटम भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, दैट मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल एंड डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हैं जो आपके नोमेनक्लेचर में यहाँ यूज़ होने हैं, तो उनके बारे में बता देती हूँ कि जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर यानी कि कार्बन चेन के साथ में OH लगा हुआ है तो हम उस हाइड्रोकार्बन को हम पहचान लेंगे कि वो एल्कोहल का ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को हम सी ओ ओ एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी ओ एच इस तरीके से भी लगा हो सकता है या फिर इस तरीके से भी लगा हो सकता है, ये सी ओ ओ एच। इसके अलावा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जो है वो सी एच ओ, सी एच ओ, या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कार्बन चेन में जो है इस तरीके से भी लगा हो सकता है, तो वो एल्डिहाइड है। कीटोन, कीटोन जो है सी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ओपन बॉन्ड शो कर रहे हैं कि ये हमेशा दो कार्बन के बीच में ही ग्रुप लगा मिलेगा, इसी वजह से ये प्रोपेनॉल से स्टार्ट होता है। उसके अलावा है, ये तो मेन ग्रुप्स थे, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन जो है वो चार हेलोजन होते हैं, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। इसके अलावा है अमीनो ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप को हम शो करते हैं NH2 से। NH2 से भी यहाँ पे जो है तीन टाइप के अमीनो ग्रुप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो NH2 हो गया, NH हो गया और उसके अलावा, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शरी अमीनो ग्रुप हो गया। इसके अलावा है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से। तो यहाँ जो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं वो ये ऊपर जो एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गए, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप हैं। और उसके अलावा ये जो हेलोजन, अमीनो और ये नाइट्रो जो हैं, ये सब फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ किए जाते हैं। बस आपको नोमेनक्लेचर में जो मेनली याद रखने हैं वो ये याद रखना कि अगर किसी भी कार्बन चेन के साथ में OH लगा है या COH लगा है, CHO लगा हुआ है, CO लगा हुआ, तो आप तुरंत, आपको ये याद रखना है कि हाँ ये अल्कोहल ग्रुप का है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, ये जो है एल्डिहाइड है, कीटोन है, हेलोजन है, हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो में से कुछ भी लगा तो समझ जाएंगे कि ये हेलोजन का है और ये अमीनो के दिए हुए हैं ग्रुप। तो बस आपको ये ध्यान में रखने हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आई होप जो आज वीडियो में मैंने टॉपिक्स आपको बताए क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि IUPAC जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे आप देखने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।